को जासूसी के आरोप में फांसी की सजा सुनाए जाने से उपजे विवाद के बाद भारत ने कड़ा रुख अपना लिया है। भारत ने सख्ती दिखाते हुए पाक से हर स्तर की बातचीत को रोका है। भारत ने अगले हफ्ते की शुरुआत में पाकिस्तान के साथ होने वाली समुद्री सुरक्षा वार्ता को रद्द कर दिया है। मोदी सरकार इस मसले को लेकर एक बड़ा संदेश देने की लगातार कोशिश कर रही है, क्योंकि जाधव को फांसी होना भारत की विदेश नीति की विफलता माना जाएगा, जिसे मोदी सरकार कभी नहीं चाहेगी। पाकिस्तान की समुद्री सुरक्षा एजेंसी MSA के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली के दौरे पर 16 से 19 अप्रैल के बीच मछुआरा खोज और बचाव अभियान से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आने वाला था। तटरक्षक बल के सूत्रों ने बताया कि रक्षा मंत्रालय ने प्रतिनिधिमंडल के दौरे को मंजूरी नहीं दी है। भारत के पूर्व नौसेना अधिकारी जाधव को पाकिस्तानी सैन्य अदालत की ओर से मौत की सजा सुनाए जाने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव के बाद ये भारत की ओर से कड़ी पहल है। भारत ये बात पहले ही कह चुका है कि अगर जाधव को फांसी की सजा दी जाती है तो वह इसे पूर्व नियोजित हत्या के रूप में देखेगा। गौरतलब है कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों की अनदेखी कर भारतीय नौसेना के अधिकारी कुलभूषण जाधव को फांसी देने के लिए अड़ा हुआ है। इसके चलते दोनों देशों के बीच रिश्ते बेहद खराब हो गए हैं। आपको बता दें, कुलभूषण को लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पहले ही हर स्तर पर लड़ाई लड़ने की बात दोहरा चुके हैं। वीडियो एडिटर पुष्पांजलि दास के साथ योगेश शर्मा, ओनली न्यूज 24x7। We'll be right back.
you.